मिनिस्टर साहब की तरफ से जो है ना ये इंतहाई जदीद बसेस, इंतहाई अच्छी क्वालिटी की बसेस जो है ना वो चलाई गई हैं और इंतहाई कम तरीन किराए में। जो लोग इस्लामाबाद से सैर तफरी के लिए जाना चाहते हैं मरी, वो 30 रुपए में, ओनली 30 रुपए में ग्रीन लाइन हमारी इस्तेमाल करके उसे 12 को और यहाँ से मरी के लिए आगे है ना 100 रुपए के टिकट में जो है ना वो सैर तफरी के लिए जा सकते हैं। बस जो है ये फैमिली के लिए चल रही है, ये सर्विस 3 दिन के लिए है, जुमा, हफ्ता और एतवार। 33 सीटर बस है, हर सीट के ऊपर LED लगी हुई है, आरामदेह जो है ना वो चेयर है उसकी। जो 65 साल के हमारे बुजुर्ग शहरी हैं वो फ्री सफ़र कर सकते हैं और जो 12 साल के बच्चे हैं वो भी जो है ना इसमें बस में फ्री सफ़र कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की। आम बसों में हम जाते हैं, लोकल बसेज में जाते हैं तो बच्चे बोर होते हैं, इसमें इतनी सर्विसेज हैं, बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट है, कार्टून वगैरह हैं तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बस में भी इंजॉय कर रहे हैं, मरी में तो करेंगे ही। 12 से सुबह 9 बजे हमारा जो है ऑपरेशन वो स्टार्ट होता है, हर 1.5 घंटे के बाद जो है ना वो बस जो है मरी के लिए जा रही है। इसमें 2 स्टॉप है हमारे, लोअर टोपा जो है वो पहला हमारा स्टॉप आता है जहाँ पे हम पैसेंजर को ड्रॉप कर सकते हैं और दूसरा जो है वो जनरल बस स्टैंड है। जो भी मुसाफिर सफ़र करते हैं तो वो हैरान ही हो रहे हैं क्योंकि पहले तो ऐसी कोई सर्विस भी नहीं थी जो मतलब इस क्वालिटी इस तरह की जो हो। जी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ ग्रीन लाइन बस पे बैठ के, 12 यहाँ से आगे मैं मरी जा रहा हूँ 100 रुपए किराए से, और वज़ीर आज़म का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग पेशावर से आए हैं और मरी के लिए जा रहे हैं, अभी सफ़र भी बहुत आरामदेह और हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे हैं। हम लोग प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये सर्विस हमें दी है वहाँ पर।